सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये पहली बार हमारे घर में बनने जा रहा है राजमा, और इसको रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया था, और अब इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया और इस पर नमक डाल चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको कर देंगे बंद और इसको उबलने देंगे और देखते हैं घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। गाइस देखिए, ये कितनी कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम उठे कि लेटे। खैर, ये तो घर के नालायक की बात थी, आगे की ओर बढ़ते हैं। पर ये मम्मी, ये हैं काम का जी लोग, देखो कितनी सुबह सुबह मेहनत का काम चल रहा है। और गाइस देखिए, ढक्कन खुल गया और ये हमारे राजमा उबल चुके हैं। गाइस वन मोर थिंग, जाहिर सी बात है कि कढ़ैया में चावल चढ़ाए हैं तो चावल तो पक ही जाएंगे, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से पक जाएंगे नहीं, मतलब ये कढ़ैया की हालत देखिए आप। और ये भी बात है कि अगर हम किचन में जाएं, नरक ना फैले, तबाही ना हो, लोगों का मूड ना ख़राब हो, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और गाइस यहाँ पर राजमा बाहर निकाल लिया गया है और ये अभी लेकर जाएंगे अंदर। और गाइस घर के नल्ले लोग मेरे राजमे को कैसे देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से तो बेड से उठ पाई हैं, इतनी कंफ्यूज थी है। ना हो वाह, हमारा स्पेशल गेट कितना अच्छा है। गाइस ये देखिए प्यारा सा फूल मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। पढ़ रही है, देखो बोलती पढ़ रही है। हाँ दिख रहा है, अरे यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे बुल्ली पड़ा रही है, कंट्रास्ट बढ़ा। नहाने जाने से पहले इतना मनहूस मुंह कौन बनाता है? सूरज का है, छोटी छोटी बूंदी दिख रही हैं। ये देखिए सूख रही हैं धीरे धीरे, ये देखो जादू हो रहा है, सूख गया सब। बारिश हो रही है, अबे सारे कपड़े उठा लेती ना, गीले हो जाएंगे। ये देखिए धूप आ रही है, धूप आ रही है और बारिश हो रही है, यानी कि चुड़ैल की शादी हो रही है। कोई कहता चुड़ैल के तो कहता बंदर बंदरिया। गाइस ये तब से राजमे को ऐसे क्यों घूर रही, जैसे इसको घर में खाने को मिलता ही नहीं है। जिसके पास राजमा उससे मेरी दोस्ती। ये हमारे दो अनमोल रतन राजमा खा रहे हैं। ये है इसका मसाला, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च, तीन हरी मिर्च है, इसको डाल के पीसेंगे। इसमें अभी धनिया पीसी है, धनिया पाउडर, तो इसी में डाल के इसको पीसेंगे। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, पहली बार बना रहे हैं। अब इन सबको पीस लेंगे। गाइस ये मिक्सी की आवाज इतनी तेज गुस्सा दिलाती, मन तो करता लात मार के मिक्सी ही उड़ा दे घर के बाहर, लेकिन अब सिलबट्टे पे कौन पीसेगा बैठ के एक एक चीज, इसीलिए मजबूरन इसको चलाना पड़ता है। गाइस इसने हमारी बहुत मदद करी, इसका शुक्रिया। और ये पिस के बाहर आ चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब समय हो चुका है थोड़ी सी जानकारी लेने का, तो चलिए जानकारी लेते हैं। हमारे यहाँ माचिस नहीं, इस लाइटर से जलती है गैस। लाइटर यहाँ इसका भी था, ये इसका लाइटर था, पर अब ये काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, इसलिए मैंने अभी ये इस्तेमाल करना शुरू किया। लोग इसको सिगरेट को जलाने काम करते, और मेरे यहाँ यहाँ भी हर चीज़ में काम आ रहा है। मच्छर की अगरबत्ती भी जला लेते हैं, धूपबत्ती भी जला लेते हैं, और चूल्हा भी जला लेते हैं, तो इससे माचिस की और बर्बादी नहीं होती। एक ले लो चला, ये मेरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, पैसे बचाने का तरीका, माचिस को बर्बाद करने का तरीका नहीं, बर्बाद करने से बचाओ, माचिस में पैसा नहीं बर्बाद करने का, मैं ये कहना चाहती हूँ। गाइज अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं मुंह साफ कर ले जाके पहले, हट कैमरे में गुस्सा आ रहे हो। तो अब हम बनाते हैं इसको। अंगड़ाई
ये मैंने डाल दिया है तेल, पका लेती हैं अच्छे से। यहाँ पे हम तेल में ही नमक डाल देते हैं, तेल का जो पीलापन है वो भी कम हो जाएगा, अच्छा लगेगा, और साथ में नमक हो जाएगा। तो यहाँ मसाला तैयार करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, और मिर्ची तो उसमें पहले ही पड़ी है तो और डाल देते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे ये है धनिया पाउडर जो कि हमने अभी घर में तैयार किया है, 2 चम्मच नमक उसमें पड़ गया है, गरम मसाला ज़्यादा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला है तो हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, हो गया। आप इसमें थोड़ा डालेंगे हमारी सोनी सोनी मसाला डालनी, तेज पत्ता डाल देते हैं, हो गया तेज पत्ता। अब इस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से, ऐसे ऐसे इससे ये होगा कि मसाला अच्छे से मिल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे, साथ में चलेंगे भी भुनने के टाइम। ये हो गया। तो गाइस यहाँ पे राजमा बन रहा है, राजमा जो कि बढ़िया से उबला हुआ है। गाइस अब इसमें राजमा डाल दिया गया है, पानी भी डाल दिया, और अब इसका ढक्कन कर देंगे फिर से बंद। और गाइस फाइनली यहाँ हमारा राजमा बनके तैयार हो चुका है, और ये खूबसूरती से बने हुए चावल। सो गाइस ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। बाय।